Dad Radio. श्याम भक्तों को राम भक्त हनुमान का राम राम। श्याम को श्याम कहा यशोदा मैया ने, नंद बाबा ने, देवकी वासुदेव ने, राधा रुक्मणी ने, द्रौपदी ने, पांडवों ने, किंतु स्वयं श्याम ने जिसे श्याम नाम दिया, सारी शक्तियां दी, जिसे कलयुग का अवतारी कहा। आइए आपको उस खाटू के श्याम बाबा की कथा सुनाता हूँ। बात महाकाली की, माता हिडम्बा की, कुमार घटोत्कच 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 की, माता हिडम्बा की, माता महाकाली की। प्रणाम कुमार, लीजिए। माता महाकाली की, कुमार घटोत्कच की, माता महाकाली की। कुमार घटोत्कच की, कुमार घटोत्कच की। पहले कुमार घटोत्कच के पिता मेरे पति ने जीव बलि की इस प्रथा को समाप्त कर दिया था, जिसका मैंने पालन किया। आप सब लोगों ने सहयोग दिया मुझे, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। माता हिडम्बा की, आज मेरा पुत्र घटोत्कच महाकाली की कृपा से बड़ा हो गया है। अब ये हिडम्बराज का मुखिया बनने योग्य हो गया है। वीर घटोत्कच मानव दानव संस्कृति की धरोहर है। इसमें दानव की शक्ति और मानव का विवेक सागर संगम जैसा है। मैं महापुजारी से विनती करती हूँ कि वो आज घटोत्कच के मुखिया बनने का दिन तय कर दें। राजमाता, मुखिया बनने से पहले हमारी परंपराओं के अनुसार वीर घटोत्कच को विवाह के लिए कन्याओं का अपहरण करना पड़ेगा। मैं आज से इस अपहरण की प्रथा को भी समाप्त करती हूँ। अंधकार युग की इस प्रथा को मैं उचित नहीं समझती। मेरे अपने विवाह में मेरा अपहरण नहीं हुआ। घटोत्कच मेरे पति भीम और माता कुंती पांडवों की अमानत है, और मैंने घटोत्कच को पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ भेजने का निर्णय लिया है। माते, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मैं इंद्रप्रस्थ अवश्य जाऊंगा, किंतु माते, यदि आप भी मेरे साथ चलती तो उन लोगों को आपसे मिलकर अच्छा लगता। नहीं पुत्र, ये संभव नहीं है। क्यों माते? तुम्हारे पिता और मेरे बीच वचन की एक लंबी दूरी है। उनसे विवाह के समय मैंने तुम्हारी दादी माता कुंती को वचन दिया था कि मैं हस्तिनापुर कभी नहीं जाऊंगी। जब आपका विवाह हुआ था तब उनके पास निवास तक नहीं था। वे संकट में थे। आज वे इंद्रप्रस्थ के स्वामी हैं। पुत्र, वचन कोई ऋतु नहीं है जो आई और गई। वचन एक जीवन भर की यात्रा है, जिसे केवल मृत्यु ही समाप्त कर सकती है। फिर मुझे उस कुल की कुल वधु बनने का सम्मान मिला है, जिस कुल में दादा भीष्म ने वचन के लिए हस्तिनापुर राज्य के सिंहासन को त्याग दिया, जीवन के सारे सुखों का बलिदान कर दिया। माते, मुझे गर्व है कि आप मेरी माता हैं। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि जब भी मैं इस संसार में आऊं, आप ही मेरी माता बने। घट, वो माता धन्य हो जाती है जिसे तुम जैसा सम्मान करने वाला पुत्र मिल जाए। जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, ऐसे लोगों का घटोत्कच के जीवन में कोई स्थान नहीं है। चलो विश्राम कर लो, भोर होते ही तुम्हें इंद्रप्रस्थ जाना है।
जो आज्ञा माते। कुमार घटोत्कच की जय। माता हिडंबा की जय। माता महाकाली की जय। इंद्रप्रस्थ नरेश युधिष्ठिर की जय हो। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ परामर्श दूं। हे केशव, कोई भी शिष्टाचार किसी भी उपकार से बड़ा नहीं हो सकता। मैं आपकी बुआ कुंती का ज्येष्ठ पुत्र हूं, इसीलिए सिंहासन पर विराजमान हूं। किंतु जिसे आपके हृदय में आसन प्राप्त ना हो वो किसी भी स्थान का अधिकारी नहीं हो सकता। मुझसे अनुमति ना मांगे केशव, मुझे आदेश दीजिए द्वारकानाथ, मुझे आदेश दीजिए। बड़े भैया, अब समय आ गया है कि आप ये जान लें कि समूचे आर्यावर्त में कौन आपका मित्र है और कौन मित्र नहीं है। वैसे नियम के अनुसार आप राजसूय यज्ञ के अधिकारी हैं। राजसूय यज्ञ की तैयारी कीजिए नरेश। ये कौन? क्यों, आप सब लोग मुझसे सहमत हैं? क्यों गदाधारी भीम? हे मधुसूदन, यदि आपकी कृपा दृष्टि ना होती तो इतना भयानक जंगल इतना सुंदर ना बनता। महाराज की जय हो। नगर में एक भयानक संकट आया है। संकट? कैसा संकट? इंद्रप्रस्थ नरेश, मैं हूं वो संकट। अपना परिचय दो वत्स। मैं महाबली भीम और माता हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच। पुत्र घटोत्कच? जी पिताश्री। आप अपने तायाश्री महाराज युधिष्ठिर, काका श्री कृष्ण, काका अर्जुन, नकुल, सहदेव, इन सबसे आशीर्वाद लो। जो आज्ञा पिताश्री। पुत्र घटोत्कच, तुम्हारी माता हिडिंबा कैसी है? माता कुशल, उन्हीं की आज्ञा से मैं आपका आशीर्वाद लेने मेरुगिरी पर्वत से यहां आया। उन्होंने कहा है कि पुत्र सदा अपने पितृवर्ग की आज्ञा का पालन कर। जो भी पुत्र ऐसा करता है वो पुण्य लोकों पर विजय प्राप्त करके संसार में यशस्वी हो जाता है। तुम्हारी माता धन्य है पुत्र, जो उन्होंने तुम्हें ऐसे संस्कार दिए। धन्यवाद। निश्चय ही जैसी माता होती है वैसा ही उसका पुत्र होता है। पिताश्री, मेरी इच्छा है कि आप मुझे किसी महान कार्य में नियुक्त करें, क्योंकि माता की आज्ञा है कि मैं सदा पांडव कुल में भक्ति रखने वाला बनूं। तुम्हारी माता हम लोगों के प्रति अटल भक्ति रखने वाली है, तुम भी ऐसे ही बनो पुत्र। कैसे हो पुत्र? कैसे हो पुत्र? मैं ठीक हूं काकाश्री। और हिडंबन का कार्य कैसे चल रहा है?
वहां सब शांति तो है ना, वहां वहां देवता ब्राह्मण और साधु संतों का सम्मान तो हो रहा है ना? अवश्य काकाश्री, अवश्य। माता श्री तो हरदम दिव्य तपस्या में लीन रहती है, सारे राज्य का भार उन्होंने संभाल रखा है। तुम्हारी माता अवश्य ही बड़ा कठिन कार्य कर रही है पुत्र घटोत्कच, जो पति की सेवा का सुख छोड़कर तपस्या में लीन है। पुत्र, तुम महाबली भीम के पुत्र बड़े हो चुके हो, मेरुगिरी का कार्य अब तुम्हें संभालना चाहिए। काकाश्री, माता की भी यही इच्छा है, किंतु प्रथा के अनुसार यह विवाह के पश्चात ही संभव है, और उसके लिए मुझे कन्याओं का अपहरण करना पड़ता, किंतु माता नहीं चाहती थी कि मैं ऐसा करूं। उनका कहना है कि मैं पांडवों की धरोहर हूं, इसलिए विवाह के लिए उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। राजन, यदि आप उचित समझे तो इस विषय में मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। अवश्य केशव। पुत्र घटोत्कच के लिए एक योग्य कन्या मेरी दृष्टि में है। वो कन्या कौन है केशव? मूर दैत्य की सुंदर कन्या मोरवी। बात तब की है राजन, जब मैं देव माता अदिति के कुंडल लाने कामरूप गया था, जिसे नरकासुर छीन कर ले गया था। उस युद्ध में मेरे हाथों असुर महामंत्री मूर दैत्य मारा गया और उसकी पुत्री मोरवी मुझसे युद्ध कर। दैत्यराज मुर, आज तुम्हारा वध करके मैं मुरारी हो गया। अबला स्त्रियों का अपहरण करने में यदि तुमने असुर नरेश नरकासुर का साथ न दिया होता तो मैं तुम्हारा वध कदापि न करता। अब मुझे तुम्हारे अंतिम संस्कार की व्यवस्था करनी होगी। ठहरो। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। शव में बदलकर पहले तुम्हारा अग्नि संस्कार करूंगी, उसके पश्चात अपने पिता को विदा करूंगी। वासुदेव, भद्रे, तुम युद्ध से लौट जाओ। ये माधव श्री कृष्ण युद्ध में दुर्जय हैं। कोई किसी भी प्रकार से संग्राम में इन्हें मार नहीं सकता। औरों की तो बात ही क्या है, साक्षात भगवान शंकर भी इन्हें परास्त नहीं कर सकते।
ये आप क्या कह रही हैं माते? हाँ पुत्री, इन्हें प्रणाम करके तुम युद्ध से हट जाओ, यही तुम्हारे लिए उचित होगा। और अपने पिता के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके हाथों से मरने पर सब पापों से मुक्त होकर विष्णु धाम चले गए हैं। तुम इसी नगर में निवास करो, यहां रहते हुए ही तुम्हें वीरपति प्राप्त होगा। माते, जैसी आपकी आज्ञा। माँ कामाख्या के ऐसा कहने पर मोरवी ने क्रोध त्याग दिया और प्रणाम किया। तब मैंने उसे आशीर्वाद दिया था राजन। वासुदेव, पुत्र घटोत्कच के लिए क्या आदेश है? मेरी इच्छा है कि पुत्र घटोत्कच कामरूप जाए और मोरवी को ब्याह कर ले आए। जो आज्ञा नरश्रेष्ठ। वीर घटोत्कच, तुम ये मत समझना कि मोरवी तुम्हारे लिए वरमाला लिए खड़ी होगी। उसने प्रण किया है पुत्र कि वो केवल उसी को पति रूप में स्वीकार करेगी जो बल और बुद्धि दोनों में उसे परास्त कर देगा। वासुदेव, बल तो है मेरे पास, परंतु बुद्धि का वरदान मैं तुम्हें देता हूं पुत्र। मोरवी तुमसे जब भी कोई प्रश्न करे पुत्र, बस मेरा ध्यान कर लेना। जाओ पुत्र, हम सबका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सारु कार्य सिद्धार्थे। प्रणाम। शुभम भवतु। घटोत्कच मोरवी के साथ ही लौटेगा। कामाख्या, क्या मेरी प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त होने वाली है? देवी मोरवी के दर्शन की अभिलाषा लेकर आया हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, सभी के जीवन में अंतिम घड़ी कभी ना कभी तो जरूर आती है। चलिए आइए। दिखाई नहीं दे रहा। कामरूप में आपका स्वागत है। आपके बारे में जैसा सुना था वैसा ही पाया। क्या सुना था? आप सचमुच बहुत सुंदर हैं। मेरे रूप की प्रशंसा कर रहा है, ये भी मरने आया है। मैं यहाँ मरने नहीं आया हूँ। तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? मैं हिडम दानव की बहन का पुत्र हूँ, घटोत्कच। कामरूप में अतिथियों का स्वागत करने की परंपरा नहीं है क्या? अवश्य है,
किंतु योग्यता की परीक्षा के बाद। उचित है। तो पहले बल की परीक्षा लोगी या बुद्धि की? बुद्धि की। यदि बुद्धि ना हो तो बलवान से बलवान व्यक्ति भी पराजित हो सकता है। मोरवी, तुमसे जब भी कोई प्रश्न करे पुत्र, बस मेरा ध्यान कर लेना। जय मैं तैयार हूं, प्रश्न करो। मुझे कोई विचित्र कथा सुनाकर हैरान कर दो और मुझसे कोई ऐसा प्रश्न करो जिसका उत्तर मेरे पास ना हो। ठीक है। एक नगर में एक व्यक्ति था, उसके घर में एक कन्या ने जन्म लिया। उसकी स्त्री उस कन्या को जन्म देते ही स्वर्ग से धार गई। उसने अकेले ही अपनी बेटी का पालन पोषण किया। उसकी बेटी बहुत सुंदर थी। जैसे ही वो विवाह के योग्य हुई, उसके पिता का अपनी बेटी के प्रति मन मैला हो गया। उसने अपनी बेटी से एक झूठ कहा। उसने कहा कि उसके मां बाप मर चुके हैं और उसने सिर्फ उसका पालन पोषण किया है। बेटी ने पिता के झूठ पर विश्वास कर लिया और पिता ने अपनी ही पुत्री के साथ विवाह कर लिया। अपनी पुत्री से विवाह? हाँ। कुछ महीनों बाद उस लड़की ने एक कन्या को जन्म दिया। अब मेरा प्रश्न यह है कि पैदा हुई कन्या उस पुरुष की दोहित्री हुई या पुत्री? पुत्री, तुम्हारे मौन से यह सिद्ध हो गया है कि तुम्हारे पास मेरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। तुम एक वीर असुर की पुत्री हो, फिर भी युद्ध के सारे नियम भूल गई और एक निहत्थे पर वार कर दिया। छोड़ दो मुझे। मैं तुमसे तो क्या किसी से भी विवाह नहीं कर सकती। मैं तो केवल पांडव पुत्र के उस कुमार की प्रतीक्षा कर रही हूँ जिसका वरदान माता कामाख्या ने मुझे दिया था। छोड़ दो मुझे। मौर्वी, मैं पांडव महाबली भीम का पुत्र हूँ और श्री कृष्ण के कहने पर ही तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए। अपने इस कायरतापूर्ण व्यवहार के लिए मैं शर्मिंदा हूँ। आप जैसे महाबली की पत्नी होने योग्य नहीं हूँ। उठो। तुम हर प्रकार से पांडवों की पुत्रवधु होने के योग्य हो। यदि तुम्हारी सहमति हो तो मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ।
कुमार घटोत्कच की जय। कुमार घटोत्कच की जय। माता मौर्वी की जय। कुमार घटोत्कच की जय। माता हिडंबा की जय। माता हिडंबा की जय। माता हिडंबा की जय। सदा सुखी रहो। माता ये मौर्वी है आपकी पुत्रवधु। मैंने दाऊश्री पिताश्री और वासुदेव कृष्ण की इच्छा अनुसार इनसे विवाह किया है। आशीर्वाद दीजिए माते। सौभाग्यवती भव। कुल का गौरव बढ़ाओ। आ पुत्री। समय बीतता गया और वो समय आ गया जिसकी सृष्टि को प्रतीक्षा थी। जब संसार में कोई दिव्य आत्मा आने वाली होती है जिसके लाखों भक्त हों कोटि कोटि पूजने वाले हों तब धरती भी नया श्रृंगार करती है। हिडंब वन में भी हर दिन कुछ नया घटने लगा। जय अंबे मैया। जय जय अंबे मैया। जय जय काली माँ। प्रणाम राजमाता। आजकल हिडिंब क्षेत्र में अनेकों सुंदर घटनाएं घट रही हैं। शुभ शगुन दिखाई दे रहे हैं। नदियां भर गई हैं। झरने स्वच्छ जल दे रहे हैं राजमाता। मौर्वी माता बनने वाली है। घर के अंदर भी कुछ ऐसा ही चमत्कार हो रहा है। ऐसा प्रकाश हो गया है जो पहले कभी नहीं था। राजमाता मेरा मन कहता है आपके घर में कोई महान आत्मा जन्म लेने वाली है। धन्यवाद। कल्याण। अचानक ये बादलों की गड़गड़ाहट कैसी? मैं भी यही सोच रहा था माते। क्या रहा है घट? ये भी तुम्हारी तरह पैदा होते ही बड़ा हो गया। आपने मुझे जन्म दिया है माते। मैं आपका ऋण नहीं उतार सकता। मैं धन्य हो गई पुत्र। हमारा कुल धन्य हो गया। आप जैसे माता पिता और दादी को पाकर मैं धन्य हो गया। दादीश्री से मिलो। प्रणाम दादीश्री। कीर्तिमान भव। माते हम इसे क्या कहकर पुकारें? ये तो पैदा होते ही बड़ा हो गया। हम इसका नामकरण भी नहीं कर पाए।
इसके केश बरबराकार हैं, तो मेरे विचार में इसका नाम भी बर्बरीक होना चाहिए। बर्बरीक? बड़ा सुंदर नाम है माते। बर्बरीक। पूर्वी, अब तो जीता जागता पुत्र प्रकाश के रूप में तुम्हारे पास है, फिर इस प्रकाश में क्या ढूंढ रही हो? इस प्रकाश में एक माँ वो सारे पल ढूंढने की कोशिश कर रही है जो संतान के जन्म के बाद उसे उपहार में मिलते हैं। हवा में खेलते नन्हे हाथ पांव, झाड़ों की धूप से आती जाती किलकारी, बेटे को पहली बार उंगली पकड़कर चलना सिखाती माँ, ऐसे न जाने कितने और पल। मौरवी, ये अवसर तो मुझे भी नहीं मिला। बर्बरीक की तरह मेरा घट भी जन्म लेते ही बड़ा हो गया। बच्चा जब जन्म लेता है तो हर माँ यही कामना करती है, बच्चा बड़ा हो, लंबी आयु वाला हो। मेरे विचार से अब देर नहीं करनी चाहिए। कल अमावस्या है, तुम इसे लेकर कल ही चले जाना। ठीक है माताश्री, मैं कल सुबह ही इसे लेकर द्वारकाधीश के पास चला जाता हूँ। माते, मेरा बाल्यकाल आपको कोई भी सुख नहीं दे पाया और दादीश्री ने जाने की घोषणा कर दी। जाओ पुत्र, मैं अपनी ममता को तुम्हारे भलाई के मार्ग की बाधा नहीं बनने दूंगी। पुत्र घटोत्कच, मैं तुम दोनों की ही प्रतीक्षा कर रहा था। प्रणाम वासुदेव। आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव। पुत्र बर्बरीक, चरण स्पर्श करो। यशस्वी भव। इसके घुंघराले बालों के कारण इसे बर्बरीक कहते हैं वासुदेव। बर्बरीक, बड़ा सुंदर नाम है। ये तुम्हारा पुत्र विशेष है, सबसे भिन्न है। मैं तो इसे सूर्योदय पुकारूंगा। सूर्योदय? आपने तो इसका नामकरण कर दिया वासुदेव। तो अपने सूर्योदय पर एक उपकार और कर दीजिए। कहो पुत्र। इसे अपना शिष्य बना लीजिए वासुदेव, इसका जीवन सफल हो जाएगा। घटोत्कच, तुम्हारा यह पुत्र स्वयं के साथ साथ समूचे वंश का नाम सफल करने आया है। आपने पिताश्री की प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया। आप चाहे तो मेरी परीक्षा ले सकते हैं। सूर्योदय, तुम तो अपने जीवन में कई महान कार्य करने आए हो। तुम्हारे पास तीन दिव्यास्त्र हैं, कर्म, संकल्प और आस्था। ऐसा कौन सा गुरु होगा जो तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार ना करे? मैंने तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लिया वत्स। नियम के अनुसार गुरु शिष्य की परीक्षा लेता है। मैं तुमसे क्या प्रश्न करूं पुत्र, तुम तो एक समाधान हो। आप प्रश्न करके संतुष्ट होके यदि मुझे शिष्य स्वीकार करेंगे तो मैं भी आपको गुरु दक्षिणा देने के लायक हो जाऊंगा। चलो ऐसा ही सही, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। तुम्हारे उत्तर में एक प्रश्न समाहित है। तुम्हारी दृष्टि में माता का क्या स्थान है? सबसे ऊंचा। यदि एक तरफ माता के प्राणों पर संकट हो
और दूसरी ओर एक नवजात शिशु के, तो पहले किसके प्राणों की रक्षा करोगे? नवजात शिशु की। क्यों, माता की क्यों नहीं? नवजात शिशु ने तो अभी जीवन आरंभ भी नहीं किया, किंतु तुम्हारी माता ने तो तुम्हें जन्म दिया है। माता अतीत है, किंतु नवजात शिशु एक संपूर्ण भविष्य। जिस माता ने मुझे जन्म दिया है, यदि मैंने शिशु को ना बचाकर उसके प्राण बचाए तो वो मेरा मुख भी नहीं देखेगी। माता अपना जीवन देख चुकी है और शिशु के सामने पूरा जीवन शेष है। देखा पुत्र घटोत्कच, तुम्हारे पुत्र को तो परीक्षा में सफल होना ही था। वत्स, मैंने तुम्हें शिष्य स्वीकार कर लिया। अब मैं तुम्हें सर्वप्रथम शस्त्र विद्या सिखाऊंगा और तत्पश्चात सिद्धि प्राप्ति के लिए गुप्त क्षेत्र भेजूंगा। हे वासुदेव, आपका युग काल में कभी नहीं भूलूंगा। अरे अनुमति दीजिए। अवश्य। क्या सोच रही हो माते? पुत्र घट अभी तक नहीं आया। प्रणाम माते। माते, मेरे पास आपके लिए एक शुभ और एक अशुभ समाचार है। क्या केशव ने बर्बरी को अपना शिष्य स्वीकार करने से मना कर दिया? नहीं नहीं माता, शुभ समाचार तो यही है कि केशव ने बर्बरीक को स्वीकार कर लिया है। किंतु अशुभ समाचार यह है कि दुर्योधन ने छल से मामा शकुनी की सहायता से इंद्रप्रस्थ को जुए में जीत लिया है और पिताश्री के साथ सारे पांडव, माता द्रौपदी सब के सब वन वन भटक रहे हैं। वचन कभी कभी कितना विवश कर देता है पुत्र। अरे संभल के पांचाली, कदाचित कष्ट से यह तुम्हारा प्रथम परिचय है। तुम्हें पद यात्रा का अभ्यास नहीं है। नहीं आर्य पुत्र, दासियों की भांति अपमानित होने का अभ्यास नहीं था। मैं शकुनी के पासों से नहीं, भाग्य के पासों से पराजित हुआ हूं। नहीं आर्यपुत्र, जब हस्तिनापुर का बंटवारा हुआ और दुर्योधन तथा ज्येष्ठ पिताश्री ने हमें इंद्रप्रस्थ का वो जंगल वाला भाग दिया, तब मैंने उसे भाग्य के पासों की तरह लिया था। किंतु राताश्री, पांचाली थक गई है, यदि आप उचित समझे तो हम कहीं विश्राम कर लें। विश्राम तो मुझे उस दिन मिलेगा जिस दिन मेरे ये खुले केश बंधेंगे, जिस दिन मेरे अपमान का प्रतिशोध लिया जाएगा, जिस दिन नारीत्व की मर्यादा पुनर्स्थापित होगी। पांचाली, जिस सभा में तुम्हें अपमान का विष पीते मैंने देखा है, उस सभा में मैंने भी प्रतिज्ञा ली थी, महादेव की सौगंध, प्रतिशोध लिया जाएगा। जिस कृष्ण ने तुम्हारे सम्मान की रक्षा की थी, वही कृष्ण अवसर भी देगा। आज तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई वत्स। प्रभु, मेरी एक जिज्ञासा है, कृपया इसका समाधान कीजिए। कहो पुत्र। प्रभु, संसार में उत्पन्न हुए जीव का कल्याण किस साधन से होता है?
कोई धर्म को कल्याणकारी कहते हैं, कोई ऐश्वर्य दान को, कोई तपस्या को, कोई द्रव्य को, कोई भोगों को, तो कोई मोक्ष को ही श्रेय कहते हैं। पुरुषोत्तम, किसी एक श्रेय को निश्चित करके बतलाइए जो मेरे स्कूल के लिए कल्याणकारी हो। पुत्र सूर्योदय, तुमने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है, इसलिए सर्वप्रथम अपने क्षत्रिय कर्तव्य को समझो। बल प्राप्ति के ऐसे साधन करो जिसकी कहीं और तुलना न हो, फिर उस बल से दुष्टों का दमन और साधु पुरुषों का पालन करो। इससे तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी पुत्र, और तुम्हारा कल्याण होगा। प्रभु, मैं किस क्षेत्र में किस देवी व देवता की कैसे आराधना करूं? पुत्र, बल की प्राप्ति तो केवल देवी की अत्यंत कृपा से होती है, इसलिए देवी की आराधना करो। महिसागर संगम तीर्थ, जो गुप्त क्षेत्र के नाम से विख्यात है, वहां जाओ पुत्र, और नारद जी द्वारा स्थापित नव दुर्गाओं की आराधना करो, वहीं तुम्हें फल की प्राप्ति होगी। अब मुझे आज्ञा दीजिए गुरुदेव। पौत्र बर्बरिक के विषय में सोच रही हैं। मौरवी, बर्बरिक की चिंता नहीं है मुझे। जो श्री कृष्ण समर्पित हो गया वो उबर गया, उतर गया। जिसे कृष्ण स्वीकार कर लें उसे किसी और के समर्थन की आवश्यकता नहीं है। जिसे श्याम रंग दें वो तो स्वयं श्याम रंग हो जाता है। तो फिर माते, आपकी चिंता का कारण क्या है, बताइए। चलिए विश्राम कीजिए, आपने तो भोजन तक नहीं किया आज। मैं परिवार सहित तुम्हारे पिता के लिए चिंतित हूँ। चिंता से अधिक मैं और क्या कर सकती हूँ। यदि आप आज्ञा दें तो मैं जाकर उनकी खोज खबर ले आऊं। नहीं, यदि दुर्योधन को पता चला तो वो इस मिलन को भी वनवास के नियम के विरुद्ध बता देगा। आंखें खोलो वत्स। माते, प्रणाम। माते, कल्याण हो पुत्र। पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुई। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? माते, आपने मुझे दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। अब एक ही अभिलाषा है, आपका आशीर्वाद सदैव मुझ पर रहे। मैं सदा दीन दुखियों की सेवा में अपना सारा जीवन व्यतीत कर सकूं। तथास्तु। तुम सदा दुर्बलों का सहारा बनो। पुत्र, मैं तुम्हें ऐसी शक्ति प्रदान करती हूं जो तीनों लोकों में किसी के पास नहीं है। मैं धन्य हुआ माते, मैं धन्य हुआ। पुत्र, सदा स्मरण रहे, कभी भी इसका दुरुपयोग ना हो। आपकी आज्ञा का पालन होगा माते। अब मेरे लिए क्या आदेश है? कुछ समय तक तुम यही निवास करो। यहाँ रहकर तुम्हें किसी की प्रतीक्षा करनी होगी। जैसी आपकी आज्ञा माते। आयुष्मान भव।
प्रणाम ब्राह्मण देव। आयुष्मान भव। आप कौन है ब्राह्मण देव? मेरा नाम विजय पंडित है, और आपका परिचय? मैं पांडव कुल भीम का पौत्र बर्बरिक हूँ। मेरे गुरु द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने सूर्योदय नाम दिया है। इस घने जंगल में किस कार्य हेतु आपका आना हुआ? अपने नगर के लोगों के भविष्य के लिए। लोगों का भविष्य? हाँ, हमारे नगर पर इस समय दैत्यों का आतंक फैला हुआ है। वहां नरबलि प्रतिदिन होती है। बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, कोई भी सुरक्षित नहीं है। अर्थात? मैं इस सिद्ध क्षेत्र में माँ भगवती की साधना करने के लिए आया हूँ। माँ से सिद्धि प्राप्त करके उस सिद्धि के बल पर मैं अपने क्षेत्र से, अपने नगर से उन दैत्यों के आतंक को समाप्त कर दूंगा। मैं भी इस सिद्ध क्षेत्र में साधना के लिए आया हूँ। यदि मैं आपके किसी काम आ सका तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। धन्यवाद सुहृदय, मैं निश्चिंत हुआ। मैं आज से अपनी तपस्या आरंभ कर दूंगा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय नमः। 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 ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। आज इस ब्राह्मण की साधना का अंतिम दिन है। धीरे धीरे हमारी शक्तियां क्षीण होती जा रही हैं। यदि इसे वो दिव्य शक्तियां प्राप्त हो गईं, तो हमारे सारे दैत्य मारे जाएंगे। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। विच्चय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय नमः। अरे अरे अरे, अनर्थ, घोर अनर्थ, ये क्या कर रहे हो तुम बंधु? साधु महाराज, ये सिद्धि प्राप्ति के लिए हवन कर रहे हैं। अग्नि जलाकर? आप जानते हैं इस अग्नि के तेज से अनेक प्रकार के जीव जंतुओं की हत्या हो रही है। साधु महाराज, अग्नि में आहुति देने से तो देवताओं की तृप्ति होती है। अहिंसा ही परमो धर्म है। जीव हत्या घोर पाप है। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा, कदापि नहीं। ये क्या कर रहे हैं आप? साधु होकर हवन की अग्नि बुझाना चाहते हैं? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ इन पाखंडी ब्राह्मणों को। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा, कदापि नहीं। जाओ। ये साधु नहीं, अवश्य कोई दैत्य है जो नहीं चाहता कि यज्ञ संपूर्ण हो। शत्रु हमारा पीछा कर रहा है, बच के जाने न पाए। घेर लो इसे, मार डालो इसे। Yeah.